वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस मैडम। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। तो आइए सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में समझिए कि ओम्स लॉ है क्या, ओम्स है क्या, इसका नियम क्या है, ये सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझिए, ओम्स एक जर्मन साइंटिस्ट है। ओम्स का नियम यानी एक ओम जो है वह जर्मनी के साइंटिस्ट हैं और उन्हीं के द्वारा दिया गया एक नियम जो है जो कि 1827 ईस्वी में दिए और इसी का नाम पड़ा ओम्स लॉ। चूंकि जो अपने नाम पे यानी जो भी साइंटिस्ट जो भी लॉ देते थे वह अपने नाम पे ही रख लिए, इसी तरह से ओम साहब भी एक लॉ दिए और वह अपने नाम पे ही रखे और इसका नाम पड़ गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ मतलब अस्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा उसके दोनों सिरों के विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो बात को समझिए, यानी काम ये जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम लोग यदि कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें जो दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस का करंट जो हो जाता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले हम इस लाइन को पढ़ देते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके बाद डायग्राम को समझाते हैं, फिर इस डायग्राम के मदद से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे भी बराबर आई आर। तो आइए समझिए, हम लिखे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को क्या रखा जाए बाबू, कांस्टेंट रखा जाए, तो करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट पास करता है इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो करंट होते हैं वह पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड्स, यानी दोनों एंड्स के दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। हिंदी में लिखे हैं अस्थिर ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों के विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये हुआ। अब आइए समझिए इसमें, देखिए जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में देखिए ये बैटरी है, तो बैटरी का दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज क्या होगा, मूव करेगा और ये निगेटिव की ओर मूव करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब यहां से इसके बीच में कुछ ना कुछ यहां का पोटेंशियल होगा और कुछ ना कुछ इसके निगेटिव के बीच का पोटेंशियल होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है तो इसे डिफरेंस जो होते हैं वह करंट के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। यदि करंट को बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस सर्किट में देखिए जब आप प्रयोग कीजिएगा, ये प्रैक्टिकली इसका प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल में आप देखिएगा तो इसमें हम लोग को कनेक्ट क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है वो देखिए। एक सबसे पहले हमको बैटरी चाहिए, एक स्विच चाहिए, यहाँ पे आर ये जो देख रहे हैं ये आपका रेसिस्टेंस है, उसके बाद ये वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल को हम लोग डिफरेंस को मेजर करेंगे, आर मीटर जो कि करंट को मेजर किया जाता है, यहाँ पे एक है रोस्टेट। रोस्टेट क्या होता है इस चीज के बारे में सुनिए, ये एक आपके लिए नया वर्ड है तो इसको समझिए ये क्या होता है। रोस्टेट जो है एक प्रकार का वेरिएबल रेसिस्टेंस, यह एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, यानी इसका मान जो होता है वह क्या होगा, चेंज करते रहेगा। जब आप प्रयोग कीजिएगा प्रयोगशाला में तो उस समय आपको ये रोस्टेट में देखिएगा उसका रेसिस्टेंस का जो मान है हम लोग बारी बारी से चेंज करेंगे, तो वह यहाँ पे ये एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, चेंज होने वाला रेसिस्टेंस होता है। और ये इसका काम है करंट को ये कंट्रोल करने का भी काम करता है, ये करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। ये डायग्राम में जो भी चीज था उसके बारे में हम बताएं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं हमने,
तो ई के बारे में भी आपको नहीं पता होगा ये ई है क्या। ई जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यानी विद्युत वाहक बल। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो आइए समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि करंट जो होते हैं, करंट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहां पे आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, भी। तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं भी प्रोपोर्शनल, आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे आर, तो यहाँ पे आई दे देंगे। वेयर, जहां पे भी सॉरी आर इज रेसिस्टेंस कांस्टेंट, यह एक प्रतिरोध नियतांक है, तो यह एक प्रकार का कांस्टेंट हो गया, इसीलिए भी बराबर हम लोग क्या जानते हैं आई आर। तो यहां पे ओम्स लॉ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला आता है भी बराबर क्या आता है आई आर। तो यहां से यह भी साबित हो गया कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर भी आ जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे भी जो हो जाता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है आर भी हो जाता है। तो आइए ये ओम्स लॉ के लिए भी बराबर ये आई आर फॉर्मूला जो है वह प्रूफ हो गया है। और ये टेंथ क्लास में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ट्वेल्थ की जहां तक बात करें तो दो मार्क्स में इसको पूछा जाता है। तो आइए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे किस कंडीशन में ओम्स का लॉ लागू होगा, किस कंडीशन में ओम का लॉ लागू नहीं होगा, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर, समझ गए। अब हेडलाइन देना है आपको ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर क्या होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा, इस चीज को समझना है। ओमिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होगा जिसमें ओम का नियम क्या होता है बाबू, लागू होता है। तो ऐसे कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर कहते हैं। तो ओमिक कंडक्टर क्या होगा, ऐसा कंडक्टर, ऐसा चालक जिसमें ओम का नियम लागू होता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा, ऐसा कंडक्टर जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओम का नियम लागू होने के लिए जरूरी था कि करंट का जो वैल्यू हो वह पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो, समानुपाती हो। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओमिक कंडक्टर, यानी ओमिक कंडक्टर मतलब हुआ ओमिक चालक। ओमिक चालक क्या होता है, द कंडक्टर इन विच ओम्स लॉ इज वैलिड, मतलब ऐसा चालक जिसमें ओम का नियम क्या हो, वैलिड हो, लागू हो। तो ऐसे कंडक्टर को देन इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। यहां तक हो गया। अब देखिए, अतः ओम का नियम लागू होने के लिए आवश्यक है कि उस कंडक्टर में पोटेंशियल का मान जो है वह धारा के क्या हो, समानुपाती हो। यानी पोटेंशियल का जो वैल्यू होना चाहिए वह धारा का क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, तब ओम्स का लॉ लागू होगा। इंग्लिश मीडियम, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, हम बोल देते हैं आप लिख लीजिएगा, ओम्स लॉ इज ओनली फॉर एप्लीकेबल, ओम्स लॉ इज ओनली फॉर एप्लीकेबल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये लिख लीजिएगा। अब यहां पे आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, समझिए ग्राफ क्या है। जैसा कि यहां पे देखिए पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई हो जाए। इस कंडीशन में इसमें का ग्राफ है, तो ग्राफ में एक साइड हम लिख रहे हैं पोटेंशियल और एक साइड हम लोग लिख रहे हैं करंट। इसको हम लोग एम्पियर में मापेंगे, इसको हम लोग
वोल्ट में मेजर करेंगे। अब यहां पे देखिए इसका ग्राफ, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा का मान बढ़ेगा, तो इसीलिए यहां पे हम लोग एक दो तीन इस तरह से नहीं तो इस तरह से हम खींच देते हैं स्ट्रेट लाइन। यहां पे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार पांच, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए समझिए, अब यहां पे एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए जब इसका पोटेंशियल कितना था, वन, तो करंट भी एक एम्पियर। यहां पे हो सकता है पांच हो, दस हो, पंद्रह हो, बीस हो, पच्चीस हो, यानी सेम रेशियो के साथ ये क्या हो, बढ़े। तो इसका मतलब हुआ एक को बढ़ाए तो दूसरा बढ़ा, और सेम रेशियो सेम डिफरेंस के साथ यदि बढ़ता है तो इस कंडीशन में इसका जो ग्राफ होता है वह कैसा ग्राफ होगा। तो अतः ओमिक कंडक्टर का ग्राफ जो होता है एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सरल रेखा द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, यानी ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, यानी सरल रेखा। तो पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है कि ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसा होगा, तो याद रखिएगा ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। या आपको दे दिया जाएगा कि ओम्स लॉ किस कंडीशन में वैलिड होगा, तो विभिन्न सारा और ग्राफ दे करके एक ग्राफ उसमें ये भी होगा, तो आपको स्ट्रेट लाइन वाले में टिक लगाना है। तो ये आपका ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हो गया। आइए अब पूरा को नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट होगा अब नॉन ओमिक कंडक्टर। तो हेडलाइन दीजिए नॉन ओमिक कंडक्टर, यहां पे लिख देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक, तो नॉन ओमिक क्या होगा, द कंडक्टर इन विच ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। यहां पे लिख देंगे नॉट वैलिड, देन इट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो यहां पे लिखिएगा द कंडक्टर इन विच ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, देन इट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। यानी वह चालक जिसमें ओम का नियम लागू नहीं, सिर्फ नहीं लगा दें, नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा कि द कंडक्टर इन विच ओम्स लॉ इज नॉट वायलेट, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। यानी वह चालक जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है तो उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अतः ओम का नियम लागू होने के लिए यह जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पे नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा धारा के समान अनुपाती नहीं होगा, अतः नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस धारा के समानुपाती हो। यहां पे नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए जरूरी नहीं है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वह करंट के क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यह लिखना है, नोट कीजिए।
किस कंडीशन में देखिए, यहां पर ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ जो होगा इसका देखिए कैसा, तो यहां पे मान लेते हैं करंट, ये पोटेंशियल, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो ये सेम रेशियो से नहीं बढ़ेगा। तो देखिए कैसा, यहां पे एक है, ये दो, यहां पांच, यहां पे आठ, तो यहां पे मान लीजिए पांच चला गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहां सेवन, यहां पे मान लेते हैं नाइन, यहां पे टेन। देखिए दोनों का जो बीच का रेशियो है, गैप है, वो समान नहीं है अंतराल, इसका अंतराल दोनों का समान रेशियो से नहीं है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो होगा, वह ग्राफ जो होता है वक्र रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। अतः नन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ वक्र रेखा द्वारा यानी कर्व लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो ये नन ओमिक कंडक्टर था। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।